नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे साथ एक बार फिर हमारे प्रिय मित्र कुमार गणेश जी जोधपुर जयपुर राजस्थान से हमारे साथ हैं। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बेहतरीन ज्योतिषी होने के साथ साथ बेहतरीन व्यक्ति हैं, अंक ज्योतिष बेहतरीन तरीके से करते हैं। पूर्व में हमारे साथ जब भी आए, कोई ना कोई नई सेंसेशनल खबर आपको हमने दी है, तो आज हमने इनको पकड़ा है। और हम जानना चाहेंगे कि महाराष्ट्र का जो वर्तमान राजनीतिक संकट जो दिखाई दे रहा है, क्या होता दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे फेसबुक के ज्योतिषी, यूट्यूब के ज्योतिषी, इंक्लूडिंग मैं खुद भी इच्छुक है कि जानना चाह रहे हैं कि अंग ज्योतिष दृष्टिकोण। और यहां मैं एक बात आपको और बता दूं कि कुमार जी हमारे ना सिर्फ अंग ज्योतिषी हैं, बल्कि राजनीतिक समीक्षक के रूप में भी बेहतरीन पकड़ राजनीतिक जगत में रखते हैं। तो हम इनसे बात करेंगे इस रिगार्डिंग मैटर विद एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, जो मैंने थोड़ी बहुत जो रिसर्च की इस विषय में कि कब सरकार जा सकती है, जाएगी कि नहीं जाएगी, कौन अगला सीएम बनता दिख रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें समसामयिक चर्चा में आज हम एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं। श्री कुमार गणेश जी का स्वागत है सर आपका। प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। बताइए सर, क्या लग रहा है? किशोर भाई, जहां तक महाराष्ट्र की ये जो महाविकास अघाड़ी की उद्धव ठाकरे सरकार है, ये सरकार 28 नवंबर 2019 को बनी, उससे पहले 23 से 26 नवंबर तक 4 दिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार रही थी। और सुप्रीम कोर्ट के यहाँ मामला जाने के बाद मतदान की स्थिति आने से पहले ही फडणवीस सरकार का इस्तीफा 26 नवंबर को हो गया था। तो शनिवार से मंगलवार तक, शनिदेव से बजरंगबली तक में सरकार जो है विसर्जित। उसके बाद 28 तारीख को, गुरुवार को, मूलांक 1 और भाग्यांक 6 इस युति में सरकार ने शपथ ली। तो दिसंबर 2019 में ही, सही तारीख याद नहीं आ रही, शायद 8-9 दिसंबर या 11-12 दिसंबर 2019 को ही मैंने एक वीडियो डालकर भविष्यवाणी कर दी थी। दो भाग में वीडियो था कि उद्धव सरकार का भविष्य क्या है। तो उसमें यह था कि नीचे आओ तो आप 13वें से 22वां महीना, नहीं तो 26 से 35 महीने में सरकार विदा होनी है। अब वो 26 से 35 वाला समय चल रहा है, मतलब तो 2.5 साल अभी हुए है ना, तो 27 महीने, तो ये 35 यानी 8 महीने तो और खींचनी नहीं है। देखिए, अब तो सबको लग रहा है, क्या होता है किशोर भाई, कि घने बादल घटाटो बादल छाए देखकर बरसात की भविष्यवाणी करना ये ज्योतिषियों का कर्म नहीं है, ये मौका देखकर चौका मारने वालों का कर्म। ज्योतिषीय भविष्यवाणी वो है कि जब चिल चिलाती कड़क धूप में आप ये कहें कि घंटे भर बाद, 2 घंटे, 4 घंटे बाद मूसलाधार बरसात आएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वर्तमान नहीं, ज्योतिषी क्या करता है, भविष्य कथन करता है। अब देखिए, 3 चीजें देखनी पड़ेगी यहां। देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनते ही वो, आपको पता होगा कि पूरा देश सो रहा था और भोर में ही अल सुबह वो सरकार ने शपथ ले ली थी। फडणवीस मुख्यमंत्री और अजित पवार उप मुख्यमंत्री ले ली थी ना, हम लोग आप लोग जागे तब तक तो वो बन चुकी थी सरकार। अब देखिए, उसी दिन जो मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली थी कि ये सरकार ज्यादा नहीं 4 या 8 दिन की है, क्यों ऐसा है ना, ज्योतिषी अपनी भविष्यवाणी राग अनुराग विद्वेश द्वेश से रहित होकर करता है। बिल्कुल, और करनी भी चाहिए, वही सच्चा ज्योतिषीय कर्म और धर्म है। तो अच्छा, इसमें यह नहीं है कि प्रथम ग्रह से मक्षी का पात है कि सब हमने ऐसी टिप्पणी कर दी, काली जबान, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कर्म है, गणनाएं करके भविष्य कथन कीजिए। लेकिन क्या है, राजनीतिक भविष्यवाणी करना ज्योतिषियों के लिए ख्याति प्राप्त करने का बड़ा शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट की जो जैसे कमाई होती है ना, जुए की, सट्टे की, लॉटरी की बर्बाद करती है, वैसे यही चीज है कि लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का है। देखिए, किसी भी राज्य की पहले तो आप, मुझे नहीं पता एस्ट्रोलॉजी में राज्य की कुंडली आप कैसे लेते हैं आप लोग, क्योंकि राज्य के गठन या निर्माण का कोई समय तो होता ही नहीं है। बिल्कुल, दिनांक होती है, तो फिर आप कुंडली कैसे बनाएंगे। तो मुझे अचंभा होता है कि जब एस्ट्रोलॉजर किसी एक आदमी की कुंडली देख करके ये कह देते हैं कि वो सरकार गिरेगी। भाई देखिए, यहां पर एक ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में 3 सरकारें हैं। बिल्कुल,
अब ये सुनने वालों को जो ज्योतिषीय मर्म नहीं जानते उनके लिए अचंभा है, और ये कथन मूर्खतापूर्ण कथन है कि यार तीन सरकार, अरे है भाई एक सरकार तो सबसे पहली वो है महाविकास अघाड़ी की सरकार, यानी एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार, दूसरी सरकार शिवसेना की सरकार है भाई। महाविकास अघाड़ी में तो कोई भी किसी भी तीनों दल में से मुख्यमंत्री बन सकता था। शिवसेना की सरकार का मतलब कोई भी व्यक्ति शिवसेना का हो वो मुख्यमंत्री बन सकता था। और तीसरी सरकार है वो है उद्धव ठाकरे की सरकार। तो कौन सी सरकार जा सकती है? बिल्कुल महाराष्ट्र का ये तो राजनीतिक संकट वाली बात है भाई। हाँ तो ये देखना पड़ेगा कि हम महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं, क्या महाविकास अघाड़ी सरकार डूब रही है, बिल्कुल शिवसेना सरकार डूब रही है, या उद्धव ठाकरे सरकार डूबते ही तो तीनों ही डूब जाएंगी। शिवसेना सरकार डूबते ही उद्धव और शिवसेना दो सरकारें डूबेंगी, किसी तीसरा कांग्रेस एनसीपी खुले है ना। क्या होता है आप राज्य के अंकों को देखिए, जैसे हमारी विधि में हम राज्य के, अब राज्य जो महाराष्ट्र का गठन हुआ बृहत महाराष्ट्र से गुजरात अलग किया गया 1 मई 1960 को, ठीक है। तो अभी वाला महाराष्ट्र तब जन्मा, तो 1 मई 1960 इसकी स्थापना या निर्माण का दिन है। यहां मूलांक एक और भाग्यांक चार है, पितृ दोष की होती है। अपने दिसंबर 2019 के उस वीडियो में डिटेल में मैंने कहा है कि इस महाराष्ट्र में कार्य उसी ने पूरा किया जिसका पितृ वरदान रहा है, पितृ दोष वालों ने कभी कार्यकाल पूरा किया ही नहीं है। पितृ वरदान वाले देवेंद्र फडणवीस 20 लाख कठिनाइयों के बाद भी 5 साल पूरे कर गए, जबकि वो 22 जुलाई है, 22 जुलाई 1970 मूलांक उनका जो है चार और भाग्यांक एक है, लेकिन प्रति पितृदोष यानी पितृवरदान माइनस माइनस प्लस। तो किशोर भाई अभी वाली सरकार का गठन हुआ है वो हुआ है 28 नवंबर 2019 मूलांक एक और भाग्यांक छह। देखिए अंक एक है ना, हाँ अंक एक है, ये चार का विरोधी है। तो 2020 से इस सरकार को संकट शुरू हुआ, और आपको याद ही होगा कि उद्धव ठाकरे को विधान परिषद का सदस्य नहीं बनने दिया गया था, राज्यपाल रोक कर बैठ गए कि जो होते हैं ना राज्यपाल मनोनीत करता है 10, 12, 15 जो भी वहां महाराष्ट्र इतने 16 या 20 लोगों को, वो तो राज्यपाल रोक कर बैठ गए। फिर वो बहुत लंबी चौड़ी कशमकश के बाद में उद्धव का विधान परिषद में मनोनयन हुआ, वरना वो पद को खतरा हो गया था। उसके बाद गया 2022 का अंक 6। अब देखिए जो कच्चे अंक ज्योतिषी वो देखते अरे सब ये सरकार के भाग्यांक का वर्ष है तो बहुत अच्छा है। अरे नहीं भाई उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है उल्टा? नहीं वो वैसे ही रहा है, आप जानते नहीं तो आप कह रहे कच्चा हो रहा है। देखिए सरकार का भाग्यांक 6 है, वर्ष का अंक क्या है 6, लेकिन ये जो है सरकार के मूलांक एक का विरोधी है, और दूसरे क्या है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बॉस है, नेतृत्व का विरोधी। और तीसरी बात 28 तारीख को हुआ है भाई, 28 तारीख में 2 चंद्रमा गठबंधन पार्टी परिवार और 8 शनि भंग, गठबंधन भंग, पार्टी भंग, अघाड़ी भंग। तो ये क्या हो रहा है, देखिए पार्टी शिवसेना परिवार पार्टी टूट रही है, ध्यान दीजिएगा। दो अंक दो को 8 ने पीड़ित किया 28। तो सरकार की शपथ में ही लिखा हुआ है कि या तो महागठबंधन टूटेगा, महाविकास अघाड़ी टूटेगी, या शिवसेना टूटेगी। परिवार एक गठबंधन भी परिवार होता है ना, तो पार्टी भी परिवार है। तो इस सरकार के मतलब उद्धव ठाकरे सरकार के शपथ में ही ये तय है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे को तो जाना ही पड़ेगा, ये आज नहीं हम 2.5 साल पहले की बात कर रहे हैं। देख लीजिए बहुत बड़ी बात होती है ये। हाँ। ये तो राजनीतिक हलकों में है कि उद्धव ठाकरे तो जा ही रहे हैं दिख रहा है, लेकिन सवाल ये है जो अक्सर मेरे हलकल में चल रहा है दिल्ली में जी, तथा फेसबुक के ज्योतिषी इंक्लूडिंग यूट्यूबर ज्योति उन्होंने कहा जी आज गिर रही है कल गिर रही है फलाना, लेकिन जो मेरा आंकलन है हो सकता है गलत हो फिर मैं आपका आंकलन तो लूंगा। मेरा जो अनुमान कह रहा है 12 तारीख के आसपास जब शनि जो है राशि परिवर्तन करेंगे 12-16 वाटे जो भी है जुलाई में, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। और ये भी जो मतलब हो सकता है मेरा आंकलन है गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं मान रहा हूँ कि शनि वक्री होकर मकर में जाएंगे, यानी पुरानी कार्रवाई जो छोड़ गए थे वो पूरी करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि कब ये जा रहे हैं? ये तो तय है, ये तो समझ में आ गई बात। 27 जुलाई 1960 उद्धव ठाकरे का जन्मदिन है जी। अब 62वां साल चल रहा है, मूलांक इनका 9 है और भाग्यांक है 5। अब देखिए 8 का अंक है, 62वां साल 8 का अंक, 8-9 का मित्र है लेकिन उठा पटक का है,
वर्चस्व की उठापटक। ये असल में अभी जो लड़ाई है ना किशोर भाई, ये लड़ाई सरकार बनाने की नहीं है, उससे बड़ी लड़ाई है शिवसेना पर कब्जे की। मर्म सिर्फ सरकार की बात नहीं है, यहां शिवसेना पर ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे का प्रभुत्व खतरे में, वर्चस्व खतरे में। और ये 62वां साल 8 का अंक, मैं फिर दोहरा रहा हूं, 8 इनके मूलांक 9 के साथ में क्या हो रहा है, वर्चस्व प्रभुत्व संबंधी उठापटक। और इनके भाग्यांक 5 का जो 62 का अंक 8 है वो विरोधी है, वो विचलन करता है। तो हो गया ना विचलन, सरकार डवाडोल हो गई, गिरी नहीं है अभी। जी जी बिल्कुल, डवाडोल हुई है, जैसे एक आदमी को हमने लंगड़ी मारी वो लड़ खड़ा रहा है, गिरा नहीं अभी, गिरा नहीं, लड़ खड़ा रहा है, ये सरकार लड़ खड़ा रही है। एक बात, दूसरी बात क्या है, अब अगला साल है 63वां साल। तो 63 साल 9 का अंक है, इनके जन्मदिन 27 तारीख का है, 9 है। तो कोई कहे अरे साहब तब तो ये सिकंदर हो जाएंगे, अरे नहीं भाई, इनके भाग्यांक 5 का घोर विरोधी है, 5 उसका घोर विरोधी, वो उसका विरोधी, तो भाग्य में ही विरोध का भाव हो गया ना, तो प्रभुत्व तो बढ़ेगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे के हाथों से शिवसेना तो नहीं जाएगी अंत तो गतवा, कितनी उठापटक, निर्वाचन आयोग चाहे उनको शिवसेना दूसरा नाम मिल जाए, लेकिन ये जो विशुद्ध मूल शिवसेना है इसमें तो उद्धव ठाकरे का वर्चस्व रहेगा, जनता पर वर्चस्व रहेगा, क्योंकि मंगल जो है वो अभी चलित में अंक किसके हैं, 21 जून से 20 जुलाई तक वो है 2 और 7, प्रजा के अंक है, तो जनता को उद्धव के साथ रहेगी, लेकिन सत्ता से बेदखली। अच्छा एक बात, दूसरी बात, अब चलित के अंक है, अच्छा ये 21 जून से 20 जुलाई के बीच में ही ये गिरना क्यों है, अच्छा इसमें भी खासकर 30 जून तक सरकार गिरती नहीं दिख रही है, यानी ये हो सकता है कि वो बुला ले कि भाई आओ चलो साबित करो सदन के पटल पर अपना बहुमत, ठीक है, लेकिन इसलिए क्योंकि देखिए अभी 21 जून से 20 जुलाई अंक शुरू होते हैं 2 और 7 स्त्री अंक, उद्धव की दिनांक क्या जन्म की 27, 2 और 7 ये आपस में विरोधी हैं, दोनों स्त्री अंक है, परिवार के, गठबंधन के, साथियों के, सहयोग के, और आपस में विरोधी है, तो देखिए शिवसेना आपस में लड़ रही है। बिल्कुल, इसी के दो हिस्से हुए। मैं अभी पॉलिटिकल कमेंट नहीं कर रहा कि किसका षड्यंत्र है क्या कुछ है, जो है उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा उसके बाद में क्या है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा एक बहुत विशेष बात जिस पर किसी ने गौर नहीं किया, 2021 में शिवसेना के अभी के मुखिया और मुख्यमंत्री अपने हार्ट का ऑपरेशन करवा के आए, अंक 21 का क्या बना 5, 5 होता है हार्ट के वॉल्व संबंधी सर्जरी जो होती है, दिल के मरीज की जो भी छल्ले लगाना, सर्जरी, बाईपास फलाना, यही सब वो करवा क्या है, और उनका भाग्यांक क्या है 5, शरीर का अंदरूनी हिस्सा है ना, बिल्कुल शरीर के अंदरूनी हिस्से के अंग होते हैं 2 और 7। तो जैसे ही ये वर्ष प्रभावी हुआ अभी और होते ही उनकी सरकार को खतरा हो गया, हार्ट पर कहते हैं ना दिल पर चोट, सारे शिवसैनिक क्या कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव के दिल पर चोट, और वो भी पिछले 2 दिन से भावुक को कह रहे हैं, मतलब दिल पर चोट मुहावरे को थोड़ा सा आप अंक ज्योतिष में ढालिए, वाकई अंक 2 और 7 पर चोट हो गया। तो तात्पर्य क्या है महाराष्ट्र के, अच्छा एक और है, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि होंगे मध्यावधि चुनाव, अब ऐसा भी नहीं है कि कोई और मुख्यमंत्री बने और बचे 2.5 साल पूरे कर जाए, देखिए आप मानकर चलिए इस विधानसभा में होने तो मध्यावधि चुनाव ही हैं, ये विधानसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी, किशोर भाई मैं किसी मुख्यमंत्री की तो बात ही नहीं कर रहा, जब विधानसभा ही कार्यकाल पूरा नहीं करेगी तो मुख्यमंत्री कैसे करेगा भाई, ये तो अपने आप ही है ना बात। यहाँ एक बात कहना चाहूंगा कुमार भाई कि ये जो आप बोल रहे हैं एक बहुत बड़ा वो है कि विधानसभा भंग होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने तो उस समय कह दिया था कि ये सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि सबको पता भाजपा भक्ति चल रही है वाली बात है, आप क्योंकि हम मान रहे हैं कि भाई अंकों से बात करते हैं और अंकों के हिसाब से बोल रहे हैं, तो ये अनुमान तो खैर आपका मैंने पहले ही पढ़ लिया था जब इन्होंने वो ली थी शपथ, तभी आपने कह दिया था कि ये होगा ही होगा, लेकिन जो राजनीतिक हलके में या जो मेरी समझ कहती है वो ये कह रही थी, वो जो हम कल डिस्कस भी कर रहे थे कि 2.5 साल ये लेंगे फिर उसके बाद 2.5 साल वो आ जाएंगे, तो अब यहाँ तो इनके 2.5 साल तो हो गए, अब जब दूसरे की 2.5 साल की बात आई तो आपस में पार्टी में ही फूट हो गई है, तो अब कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अगर मान भी ले, क्योंकि 2024 से पहले इलेक्शन होने नहीं विधानसभा के भी, वहां पे जहां तक मेरी जानकारी है, और देश में भी होंगे लोकसभा वगैरह, तो ये मतलब कंप्लीटली मान लिया जाए कि ये तो भंग होगी ही हो,
जो मतलब आप मान रहे हैं, क्योंकि हम आपने तो 2 साल पहले ही ये बात कह दी थी, हम तब भी मान रहे थे कि वो होगा, लेकिन अब वो क्लियर दिख ही रहा है, क्या कंसर्न है। चलो ये भी हमने मान लिया कि भाई मध्यावधि चुनाव होंगे, बात जायज है। उद्धव ठाकरे का क्या, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये राजनीति की सबसे ऊपरी सीमा प्राप्त कर चुके हैं, अब ये नीचे ही आएंगे? जैसा आपने कहा कि नहीं भाई अगला साल इसका अच्छा है, जनता सपोर्ट करेगी, शिवसेना नहीं जा रही, मान ली बात, तो क्या लगता है कि अगर मान लें मध्यावधि चुनाव होती है तो अगर वो फुल फ्लेज आ जाते हैं, जो कि इन दिस केस थोड़ा गलत लग रहा है, लेकिन दो बातें आ गई कॉन्ट्राडिक्टरी की, भाई एक तरफ आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छे दिख रहा है, जनता साथ दे रही, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव हो रहा है, तो अब ये विरोधाभास है, अगर मान लो चुनाव करवा लेते हैं तो पता लगा गए तो फिर तो कहानी वही आएगी। ये देखिए, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा जो मैंने दिसंबर 2019 के वीडियो में भविष्यवाणी में कही थी, मैं दोहराना चाहूंगा। उसमें मैंने कहा था इस सरकार को वही लोग गिराएंगे जो बना रहे हैं। बिल्कुल वही। तो किशोर भाई, ये सरकार बनवाई है एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने, और मैं आपको फिर स्पष्ट बता दूं कि जो ज्योतिषीय संकेत है मैं उनके आधार पर भी यही निष्कर्ष निकालूंगा, और अपने राजनीतिक विश्लेषण से भी यही निष्कर्ष निकालूंगा कि सारे के पीछे मास्टरमाइंड वही है जिसने सरकार बनवाई। देखिए क्या, अब आपने जो कहा कि दो विरोधाभासी बातें हैं कि उद्धव की जनता पर पकड़ रहेगी, मतलब शिवसेना के काडर जो है वोट उस पर, तो मध्यावधि चुनाव होंगे। अब आप इन दोनों को मिलाइए ना। देखिए क्या है, मैं बहुत पहले से एक बात और कहता रहा हूं कि अगला जो विधानसभा चुनाव है मध्यावधि का, वो शिवसेना और एनसीपी मिलकर लड़ेंगे। कांग्रेस हो सकता है उस समय बाहर रख दी जाए, होगी नहीं, ये लोग उसको मजबूर कर देंगे या निकाल देंगे और वो अलग लड़ेगी। यहाँ ये अवश्य हो सकता है कि चुनाव के बाद फिर कांग्रेस बाहर से समर्थन दे या फिर अगाड़ी में आ जाए। ये अब देखिए, ध्यान रखिए आप, मैंने ये कहा कि ये मूल शिवसेना उद्धव से छूटेगी नहीं, जनता और अपना जो वोट वर्ग है उस पर पकड़ उद्धव की इतनी कमजोर नहीं होगी कि हार के बैठ जाए। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं किशोर भाई कि मध्यावधि चुनाव में भाजपा को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर शिवसेना एनसीपी के साथ लड़ी तो फिर इन्हीं की सरकार बनेगी, एनसीपी शिवसेना की, चाहे कांग्रेस बाद में शामिल हो जाए चाहे बाहर से समर्थन दे, भाजपा की सरकार नहीं बननी है। और भाजपा को अगर सरकार बनानी है तो उद्धव शिवसेना को साथ, उद्धव शिवसेना, शिंदे शिवसेना नहीं, उद्धव शिवसेना को साथ में ले। मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप और हमारे सारे दर्शक, वो जो कह रहे हैं ना अभी एकनाथ शिंदे की, मेरे पास 40 तो आ गए, 38 तो आ गए शिवसेना के और 12 आ गए हैं, 10 या 12 निर्दलीय है, आप उन सबके नाम और विधानसभा क्षेत्र नोट करके रख लीजिए, और मध्यावधि चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें नोट करके देखिएगा, मुश्किल से 30-35% लोग जीतेंगे, बाकी 70-65% हार जाएंगे। तो भाजपा को अगर सरकार बनानी है तो उद्धव वाली शिवसेना को साथ रखे, अन्यथा शिवसेना और एनसीपी की युति मध्यावधि चुनाव के बाद सरकार में आ जाए तो आंखें फाड़कर अचंभा करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ एक और विरोधाभास आ गया फिर। हाँ। आपने कहा कि उद्धव शिवसेना अगर भाजपा के साथ मिलती है तो यही तो वर्चस्व की लड़ाई है, अगर वो तब मिल जाते तो क्या समस्या थी? ये मिलेंगे, यहाँ पर एक बात देखिए कि भाजपा जो है, अब यहाँ थोड़ा राजनीतिक विश्लेषण भी काम भी लेते। देखिए भाजपा की जिद क्या थी कि मेरे 106 मतलब ज्यादा है। उदाहरण के लिए किशोर भाई, 2013-14 से मैं 12 सितंबर 12 से मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के कई नेताओं से कहता था कि भाई आप अपना अगला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में चुनने की तैयारी कीजिए, आदमी खोज लीजिए, तो वो चंबा करते, बोले साहब उसके लिए तो हमारे एमएलए ज्यादा होने चाहिए ना। मैंने कहा हो जाए, बोले कैसे आज तक तो नहीं हुए, मैंने कहा इस बार हो जाएंगे 14 के चुनाव में, आप तो आदमी खोज के रखो। उन्होंने नहीं रखा, आदमी खोजने में बहुत टाइम लगा, आपको पता ही होगा, इधर खट्टर ने शपथ ले ली और उधर 30 अक्टूबर को जाकर के फडणवीस जो है उनकी होती है, तो उनका चयन होता है, शपथ होती है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बताऊं कि क्या है, देखिए अभी शिवसेना को मुख्यमंत्री भाजपा ने नहीं बनने दिया उसका, क्योंकि वो बोले हमारे पास 106 आपके पास 55 है, आधी के लगभग है। अच्छा, अब शिवसेना का मुख्यमंत्री क्यों बना, 54 एमएलए थे एनसीपी के और 55 शिवसेना के, सिर्फ एक एमएलए ज्यादा होने से शिवसेना का मुख्यमंत्री बन गया।
अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि उद्धव बादशाह बन के उभरेंगे, मैंने कहा पार्टी और वोटर पर पकड़ है। और मध्यावधि चुनाव के बाद एनसीपी के साथ ये सरकार में शिवसेना आ सकती है, मैंने शिवसेना सरकार में आ सकती है ये कहा, ये नहीं कहा कि उद्धव मुख्यमंत्री बनेंगे। कारण क्या है किशोर भाई, मैं जो पिक्चर देख रहा हूं तब उसमें एनसीपी के एमएलए ज्यादा होंगे, शिवसेना के कम होंगे, मुख्यमंत्री एनसीपी का बनने के प्रयास होंगे, और उस समय शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को थोपेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, और तब अजीत पवार पार्टी तोड़ेंगे। बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह रहे हैं आप। और अजीत पवार पार्टी तोड़ेंगे मैं आज नहीं बोल रहा हूं, पिछले 8-10 सालों से मेरे ब्लॉग देखिए, हर साल मैंने कहा है कि भविष्य में ये पार्टी एनसीपी तोड़ेंगे या छोड़ेंगे, और बगावत वैसे ही करेंगे अपने गॉडफादर चाचा से, जैसे शरद पवार ने अपने गॉडफादर चौहान से की थी और उनकी सरकार गिराई। बिल्कुल, वो अंग्रेज कहते हैं एज यू शो एज यू रीप, जो बोओगे काटोगे जरूर। चलिए ये हो गया, अब एक फाइनल क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस, उद्धव ठाकरे कब तक? नहीं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के रूप में या उप मुख्यमंत्री के रूप में आप कभी सत्ता में नहीं आएंगे। नहीं नहीं, अभी जो है ये कब तक देखते? नहीं, ये मुझे लगता है कि देखिए 20 जुलाई तक स्त्री अंक है, 27 जुलाई तक 7 दिन का संधि काल होता है, इनका जन्मदिन भी है, तो बस अब गिने चुने दिन ही है। नहीं, जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि शनि बकरी जब होंगे 12 जुलाई के आसपास, तो आपका मानना है कि 26 जुलाई दे रहा हूँ, 26-27 जुलाई दे रहा हूँ अंतिम समय। चलिए देख लेते हैं, चलिए जुलाई से ही होगा, 30 जून तक नहीं है, 1 जुलाई से ही उसको मानिए आप जी। तो चलिए, उसके पहले अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा भी दे देते हैं ना, 30 जून तक इस्तीफा भी दे देते हैं तो भी वो मंजूर होना और कार्यवाही होना नहीं, और का रिकॉर्ड तो 1 जुलाई आ जाएगी, उससे उधर ही है जी। वैसे मुझे लगता नहीं कि वो अभी इस्तीफा देंगे, जहां तक मेरी समझ कहती है। अरे साहब किशोर भाई, इस्तीफा देने वाले होते तो अब तक दे चुके होते, और फिर उनके भी तो अपने ज्योतिषी है जो उन्हें बता रहे हैं कि जितना जन्मदिन के पास जाकर पद छोड़ेंगे उतना फायदे में रहेंगे। ज्योतिषी हर राजनेता के हैं, राज है, वो माने ना माने, वो मैं जानता हूँ, माने ना माने अब ठीक है, वो एक दूसरी बात है। तो चलिए, ये महाराष्ट्र संकट पे है, राजनीतिक जो हमारी बातें थी ये तो लेटेस्ट हो गई, और बता भी दिया कि हद से हद 27 तक ये जाएंगे, और मेरा मानना है कि 12 तारीख के बाद कभी भी ये जाए। और वर्तमान की स्थिति हमने देख ली, भविष्य का भी आपको बता दिया गया है कि मध्य अवधि चुनाव अगर होते हैं तो उसके बाद भी क्या रह सकती है पिक्चर, हाँ वो भी संकेत मिल गए, और ये तय है कि मध्य अवधि चुनाव भी होंगे। अब एक प्रश्न उठा जो कि अक्सर आता है और आज भी काफी चर्चा में रहा है, देवेंद्र फडणवीस क्या दोबारा से सीएम दिखते हैं? किशोर भाई, मार्च में देवेंद्र फडणवीस से लगभग आधी रात के आसपास मेरी बात हुई थी, किसी आदमी ने अपने फोन से उनसे मेरी बात करवाई, उनके निवास स्थान से खुद देवेंद्र जी से कई बातें हुई, गोपनीयता की मर्यादा, लेकिन जो उसमें से एक बात मैं शेयर कर सकता हूँ वो मैंने उन्हें कहा था। मैंने कहा देखिए फला फला जो आपके चीज है ये कर लीजिए, आपको इसी विधानसभा में एक बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर और मिल सकता है। हालांकि तब भी मैंने कहा कि आप बन भी गए तो 5-7 महीने 7-8 महीने जो भी आपकी शपथ लेने की दिनांक उसके हिसाब से आप रह लीजिएगा, आप कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन विधानसभा तो भंग होगी। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आज कुंडली देखी उनकी, और केतु में बुध का अंतर परिंदर चल रहा है जो एक अच्छी स्थिति देता हुआ दिखता है। 22 जुलाई से उनके योग, मैंने कहा ना, लेकिन इतने प्रबल नहीं है कि वो 2.5 साल पूरे कर लेंगे, बिल्कुल इतने प्रबल नहीं है, योग बन रहे हैं 22 जुलाई से, और 27 जुलाई से अच्छे योग बन रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ना, मैंने उन्हें जो कहा वही मैं दोहरा रहा हूं, एक अवसर मिल सकता है, पर अवसर इतना ही होगा कि उनकी कार्यवाहक सरकार में चुनाव हो, क्योंकि क्या होता है चुनाव के वक्त में सत्ता में रहने के कुछ अपने फायदे होते हैं, इधर से भी उधर से भी, वो है 2.5 साल पूरे नहीं करेंगे। चलिए अब लगे हाथों एक और लेटेस्ट मुद्दे पे बात करेंगे, और अभी जो हम देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू अचानक लाइमलाइट में आ गई, और हमारे एक मित्र हैं वैभव देकाटे, उन्होंने इनका जिक्र किया था करीब 1-1.25 महीने पहले, और फेसबुक पे मंच पे उन्होंने लिखा था ग्रुप में कि इस बार ऐसा हो सकता है आदिवासी महिला को बनाया जा सकता है, और मोदी जी ने कह दिया है तो श्योर शॉट है बनना, ये तो हम सब बच्चा भी इंडिया का समझता है, क्योंकि उनकी बात को काटना नामुमकिन है। अब आपसे जो मैं, क्योंकि अंग ज्योतिष पे बात होती है और आपकी कुछ बातें बड़ी सटीक हमारे चैनल पे आई हैं, कितना मार्जिन लगता है, मतलब 2.5-3 के आसपास? तो सबसे पहले तो कैंडिडेट के चयन की बात करते हैं। 5 साल पहले जब मैं रामनाथ जी कोविंद के लिए मैंने भविष्यवाणी की, और जो भी माँ बगलामुखी के बाबा के हाजिरी लगानी थी लगा रहा था, तब मैंने जिम्मेदार लोगों से कहा था
क्योंकि तब भी द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बहुत प्रबलता से था, कोविंद जी का कहीं नहीं था, इन्हीं का चल रहा था थावरचंद गहलोत के साथ, बहुत प्रबल। अभी तो चला ही नहीं इतना, अभी तो इतना चला ही नहीं है, अचानक ये आया है लगभग। तब तो इतना दौड़ में रोज अखबार में इनका नाम आता था। अभी तो इनके अलावा तीन महिलाओं का और चल रहा था, आनंदीबेन पटेल तक का, जो सीधी खड़ी नहीं हो सकती क्योंकि अंदाजा है, मार लो मार लो। लेकिन तब मैंने उन जिम्मेदार लोगों से कहा था कि भैया देखो, इस बार तो ऐसा है, माई ने लाज रख ली, किन्हें किनारे कर दिया और हमारे प्रत्याशी कोविंद जी को विजयी बना दिया, लेकिन ये पलट कर फिर आएंगी, वो पलट कर फिर आएंगी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए, हम 22 में देखेंगे, अभी नहीं, लेकिन पलट कर इनका, क्योंकि क्या होता है कि माँ बगलामुखी की एक आदत है, वो जो उनके बच्चे होते हैं ना, हम जैसे जो जिद करने वाले, हट यो कर बाल हट, तो माँ उनकी कहे की लाज रख लेती है, लेकिन योग्य व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं करती। तो 5 साल बाद इन्हें भी, तब तो अपेक्षा भी थी क्योंकि राज्यपाल थी झारखंड की, अब तो इन्हें अपेक्षा भी नहीं थी, एक बात। दूसरी बात, मेरा इस बार ये, जब भी मुझे पूछता है भाई इस बार आप बताओ कौन बने, मैं ये कहता था कि 20 अगर जून तक बनते हैं तब तो पुरुष अंक आवी है, और 21 जून से 20 जुलाई के बीच में स्त्री अंक आवी है, तो पहली प्राथमिकता तो है कि बाई जेंडर महिला बने, नहीं तो कोई प्रबल महिला अंकों वाला पुरुष। तो इसलिए अचंभा नहीं हुआ। और कई बातें क्या होता है कि देखिए, कोविंद जी मेरे प्रिय और वे पदस्थ भाई वर्तमान राष्ट्रपति, तो मेरी मर्यादा यह कहती है कि मैं खुलकर सार्वजनिक मंच पर अगले राष्ट्रपति के लिए नहीं बोलता था। एक मर्यादा होती है, आपकी गरिमा होती है, भारत के राष्ट्रपति की बात है। हाँ, अगर इस पद पर कोई और होता जैसे पिछली बार की तरह प्रणवदा थे, तो मैंने खुली घोषणा की, ज्योतिषी के रूप में किशोर भाई हम कितना जानते हैं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि कितना किसे कब क्यों और कैसे बताते हैं, बहुत बड़ी, ये ज्यादा जरूरी है। अब रहा दूसरा, तो अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही डाला है कि पहले मेरा मानना था कि कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से जीतेगा जो भी आएगा एनडीए का, जो भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा नाम आता। द्रौपदी जी के आने के बाद में मैं मानता हूं कि ये 2-2.5 लाख की बजाय 2.5-3 लाख वोटों से जीत सकती है, यानी एक बड़ा मार्जिन लगा दी। हाँ भाई, 2-2.5 लाख नहीं, 50,000 और बढ़ा लीजिए, 2 को 2.5 और 2.5 को 3, तो 2.5-3 लाख वोटों से कम या लगभग इतने वोटों से इनकी अच्छी मार्जिन की जीत हो सकती है। क्योंकि मेरा जो कहना था वो हो गया फलीभूत। मैं ये कहता था कि भाई देखिए, जब भी कैंडिडेट कोई भी घोषित होगा एनडीए का, क्यों इसका मतलब नहीं है लेकिन क्या होगा मैं वो बता दूं, जगनमोहन रेड्डी हो, नवीन बाबू हो, मायावती हो, ये लोग जो है ना वो आ जाएंगे साथ में। और अब तो झारखंड के मुख्यमंत्री की पार्टी एमएन को भी आना पड़ेगा क्योंकि आदिवासी को दिया है, तो और नवीन बाबू आ ही चुके हैं, जगनमोहन आ गए और मायावती आ गए, तो ये मैंने कहा था ये आएंगे, कैसे आएंगे नहीं पता, क्यों आएंगे नहीं पता, लेकिन आएंगे। क्या आएंगे? हाँ आएंगे, आ चुके हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि लगभग 2.5-3 लाख वोटों से एक शानदार और जानदार जीत एनडीए के प्रत्याशी की होने जा रही है। अच्छा, आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और मैं अक्सर अपने चैनल में भी बोलता रहता हूँ जी, उसमें जो उच्च पद में जो लोग आते हैं किसी भी क्षेत्र में, उनका कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित प्रॉब्लम दिखी गई है या शुक्र पीड़ित कह सकते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज आई है इंटरेस्टिंगली, इनके बारे में आप सब जानते हैं कि 2 जवान बेटों की मृत्यु हुई है, पति की मृत्यु हुई है, बहुत सफर किया है जिंदगी में, काफी स्ट्रगल्स रही है और आ रही है, अच्छा मुकाम भी है, और क्योंकि मोदी जी ला रहे हैं तो कहने की जरूरत ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन ये एक बड़ा अजीब संयोग सा कुछ देखने में आता है, चाहे आप प्रधानमंत्री पद में ले लो, चाहे आप इस पद में ले लो, चाहे आप उद्योग जगत में भी अगर आप देखें तो भी आप जो उच्च लेवल के लोग देखोगे उनका हिंदुस्तान में शुक्र पीड़ित ही नजर आता है। इस पे क्या लगता है आपको, मतलब क्या उसका कारण है? देखिए हमारे यहाँ संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, मूलांक 8 भाग्यांक 6, आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947, मूलांक 6 भाग्यांक 8, ऐसे करके चैन बना लीजिए। शुक्र के साथ शनि बैठा है, शनि के साथ शुक्र बैठा है, इस देश का शुक्र तो भ्रष्ट है जी। अब मैं लोगों का इस में लिखता हूं, जिन लोगों का शुक्र भ्रष्ट होगा वो शीर्ष पर आए। और एक और बात है, देखिए देश का मुखिया प्रधानमंत्री नहीं है, देश का मुखिया राष्ट्रपति है, लेकिन शुरू के दोनों ही पदों पर जो भी व्यक्ति आएगा उसके स्त्री अंक पीड़ित होंगे, ये पक्की बात है।
स्त्री मतलब दाम्पत्य का अंक, महिला अंक, परिवार का अंक, हर हालत में आप अगर कभी बैठे तो मैं एक एक प्रधानमंत्री, चाहे वो कार्यवाहक गुलजारीलाल नंदा रहे हो, पर एक एक राष्ट्रपति का आप एक एक एपिसोड बनाइए, मैं सिद्ध करके बता दूं। नहीं, ये मैंने किया है, सुना है, मैंने देखा, और इसीलिए मैंने अच्छा की क्योंकि मुझे लगा कि आप नंबर से इसको सही पकड़ोगे। और जो हम समझ रहे हैं कि भारत का जो लगन है वृषभ है उसको राहु ने पीड़ित कर रखा है, तो शुक्र तो पीड़ित है ही है भारत का वगैरह, लेकिन इंटरेस्टिंग ये बड़ा एक अजीब दिखता है इंडिया में कि दुनिया में हमारी इमेज जो है धार्मिक देश की है, बावजूद ये हरकतें होती हैं। और सटीकता से दिखता है कि जो भी उच्च पद दिखते हैं लोग किसी भी होगा हमेशा ही दिखता है। तो ये थोड़ा सा एक जिज्ञासा से थी कि भाई न्यूमरोलॉजी से पूछा जाए आपसे। तो आज के लिए सर इतनी चर्चा बढ़िया रहेगी, क्योंकि मेरा मानना है हमने जो दो मुख्य मुद्दे हैं वो हमने आज बात कर ली, क्योंकि वैसे तो बातें चलेंगी तो चलती चली जाएंगी, और आपका करेंगे और मुद्दों पर बात, पता ही है कि जब भी मिलते हैं तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेते हैं। तो खैर कुंडली वाइज जो मेरा आकलन था मैंने रखा और आपने वो रखा, और बहुत बढ़िया एक वो रही। और मेरा मानना है कि हमारे दर्शकों को ये चर्चा हमारी बहुत अच्छी लगेगी, और समय समय पर हम समसामयिक चर्चा करते रहते हैं, कुछ अच्छी जानकारी देते हैं, कुछ अंकों से रिलेटेड जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना, और अगली कोई विशेष कोई घटना अगर भारतवर्ष में होती है या कुछ बढ़िया होता है, और जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं कि हम लोग एज एस्ट्रोलॉजर पहले से जानते हैं, लेकिन विद वैज्ञानिक दृष्टिकोण हम उसको सामने रखें ताकि ज्योतिष पे विश्वास हो, जैसा कुमार जी की दो भविष्यवाणी। और हाँ, मैं आपको इसके लिए पहले से एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि आपकी दोनों बातें, खासतौर से राघव चड्ढा वाली जो बात थी, आपने बहुत किशोर भाई ये विधानसभा में जाएगा, जबकि हमारा आंकलन दिल्ली सर्कल का आंकलन ये था कि मे भी उनको आप मुख्यमंत्री देखेंगे पंजाब के वगैरह वगैरह, लेकिन आपने क्लियर कहा और वो सटीकता से हुआ। इसके बावजूद एक और जो आपने बताया कि देश में एक वर्ग सड़कों पे आएगा, अब वो अग्निवीर की तरह से जोड़ लीजिए या हुस्ता आगे आए, लेकिन वो हुआ, वो दिखा है। और अराजकता की स्थिति बनेगी, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी, वो सब हो रहा है। बिल्कुल। तो दोस्तों आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे आपसे किसी और बढ़िया से एपिसोड के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कुमार जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।